सोमवार को ग्राम पंचायत बगवानिया के मजरा गांव ग्राम हीरापुर में परिक्रमा वासियों के ठहरने के लिए भवन निर्माण, पेयजल व्यवस्था, शौचालय आदि को लेकर भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन करते समय धर्मपुरी क्षेत्रीय विधायक पांचीलाल मेणा, नायब तहसीलदार केसीएस सोलंकी, जनपद पंचायत धर्मपुरी सीईओ गौरीशंकर दुबे सहित बहुत से परिक्रमा वासी और ग्राम पंचायत बगवानिया के पटवारी, सरपंच, सचिव सहित सैकड़ों की संख्या में आसपास के ग्रामीण लोग मौजूद थे। दरअसल ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार हर वर्ष वह नर्मदा की परिक्रमा कर रहे परिक्रमावासी हजारों की तादाद में विंध्याचल पर्वत में बसे मांडू के रानी रुकमती महल के ठीक नीचे सीधे घाट उतरकर ग्राम पंचायत बगवानिया से होकर ओमकारेश्वर की ओर जाते हैं। मांडू और बगवानिया के बीच सीधा पहाड़ी घाट लगभग 15 से 18 किलोमीटर का उबड़ खाबड़ रास्ता तय कर नीचे जैसे तैसे परेशानियों का सामना कर उतरते हैं। धर्मपुरी से सुनील वासकले की रिपोर्ट। सर जी, आज ग्राम बगवानिया, ग्राम पंचायत बगवानिया में मजरा ग्राम हीरापुर, सर जी जो कार्यक्रम जो आज रखा गया है, आज किस उद्देश्य से, जैसे कि सीएम साहब, सीओ साहब और तहसीलदार साहब और विधायक साहब जी यहां पे पधारे हैं? आज यहां पर हम नर्मदा परिक्रमा वासी मार्ग है मांडव से निकल करके जो नर्मदा परिक्रमा जाते हैं ग्राम पंचायत बगवानिया में, ये पंचायत हीरापुर गांव पड़ता है और यहाँ पर मांडव से नीचे उतरते समय यहाँ रास्ते की तकलीफें, पानी की समस्या थी और रुकने की लेट बात की समस्या थी और इस उद्देश्य से आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आदरणीय सीओ साहब को, आदरणीय तहसीलदार साहब को लेकर के आया हूँ और यहाँ पर जो अभी अन्य क्षेत्र आज से चालू करा है, चालू तो कब से चालू है पर आज से इनको हमारे कुणाल भाई पूना वाले हैं, उनके साथ में मिल करके गांव वालों ने जो चालू करा है, तो उसके लिए हम आए थे कि इनको हम और क्या सहयोग दे सकते हैं। जो कमी पेशी नर्मदा परिक्रमा, हम जाते नर्मदा जी महेश्वर और डेली जाते नर्मदा परिक्रमा वासियों की बार बार मांग थी कि वहां पर लेड़ बात नहीं है और खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, रोड खराब है, रानी रुकमती जैसे नीचे उतरते हैं तो वो फॉरेस्ट एरिया लगता है। इसकी वजह तहसीलदार साहब को भी लाया था तो तहसीलदार साहब ने कहा है कि यहाँ फॉरेस्ट एरिया है। मैंने डीओपो साहब से बात करी धार, तो उन्होंने कहा है कि एक बार हम भी सर्वे करा लेंगे कि वहाँ परिक्रमा वासियों के लिए किस प्रकार से रास्ता बनाया जाए, तो उन्होंने भी हमको स्वीकृति दी है। अभी आज उन्होंने स्वीकृति दी है ट्यूबवेल खुदाने की और महात्मा जी और परिक्रमा वासियों को रुकाने की। डीओपो साहब ने भी बोल दिया है कि हम जहाँ भी कोई तकलीफ नहीं रहेगी, झाड़ वाड़ नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे परिक्रमा मार्ग बनाने के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।